सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। अभी एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अभी पहला प्रश्न ये लेते हैं, पांडरे केश, पांडरे केश क्यों होते हैं? किसी ने पूछा था बच्चों को पांडरे केश क्यों होते हैं? किसने पूछा? आप पूछा था। पांडरे केश होने का कारण जान लीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नाम बोला था जिसका याद होगा आपको, मेलानिन। ये केमिकल है जो हमारे रक्त में होता है, ठीक है। जब ये रक्त में जास्ती होता है मेलानिन, तो बाल एकदम काले होते हैं, एकदम काले। जब ये रक्त में मेलानिन कमी होता है तो बाल सफेद होना शुरू होते हैं, पांडर केश होते हैं। अब ये मेलानिन ज्यादा कमी होता है, कम कमी होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के परिवार में बहुत लंबे समय तक कुछ बीमारी आ गई, जैसे भाई को या बड़ी को पांडर केश बहुत जल्दी हुए, तो उनके बच्चों को भी होगा। मेरा वैसा ही किस्सा है। मेरे बड़ी को 30 वर्ष की उम्र में पांडर केश हो, मुझे भी अभी पांडर केश हो गए। मुझे कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, लेकिन ये जो बीमारी है इसको कहते हैं डीएनए प्रॉब्लम। हमारे शरीर में एक एसिड है जिसको डीएनए कहते हैं, और ये आई बॉडी से ही आता है। तो जिनके आई बॉडी को ये त्रास है पांडर केश होने का, उनके बच्चों को होगा, उसके लिए दुनिया में कोई औषध काम नहीं करती। जो है वो है, औषध उसके लिए नहीं, बाकी सबके लिए औषध है। अगर आपको जास्ती समय बीमारी हुई है और पांडर केश है, इसकी औषध है। आपके शरीर में मेलानिन कम हो गया किसी कारण से, उसकी औषध है। तो आप एक बात को छोड़कर कि आई बड़ी को अगर ये त्रास था, जल्दी पांडर केश हुए, तब तो आप सोचना बंद कर दो, आपको भी होंगे। लेकिन अगर आई बड़ी को ये त्रास नहीं है और आपको ये आ गया, तो इसकी सबसे अच्छी औषध है मेलानिन बढ़ाइए शरीर में। मेलानिन बढ़ाने की सबसे अच्छी भारत में जो औषध है उसका नाम है आंवला। आंवला खाइए। अभी बताता। तो आप पहले क्या करेंगे, पांडर केश नहीं चाहिए तो भरपूर आंवला खाइए। कैसे खाएंगे? तरीका मैंने बता दिया। दो आंवले रोज खाना, कच्चा खा लो बहुत अच्छा, चटनी बना के खा लो बहुत अच्छा, आंवले का अचार खा लो, मुरब्बा खा लो, जैसे भी खाना दो आंवले रोज खाना, तो केश पांडर नहीं होंगे, सफेद बाल नहीं होंगे। और जो हो गए हैं वो अपने आप जले जाएंगे और उनकी जगह काले बाल आ जाएंगे, ठीक है। समाधान हुआ, पांडर केश का समाधान हुआ क्या? और पांडर केश नहीं करिए तो दूसरा और उपाय है। एक तो ये कि आंवला खाना, दूसरा उपाय है हरे पत्ते की भाजी खाते रहिए, तो मेलानिन भरपूर रहेगा। पालक है, मेथी है, चमड़ी है, पत्ता गोभी है, ये सब हरे पत्ते की भाजी खाते रहिए। अब आगे चलते हैं। पांडर केश का समाधान हो गया, केश जलने का समाधान हो गया, डोके रुकने का समाधान। अभी ये ताली ने पूछा कि मेहंदी लगाते हैं वो अच्छा, ठीक है, यही प्रश्न है ना। तो मेहंदी कहाँ से आती है? पेड़ से आती है। मेहंदी का पेड़ देखा है आपने? बस, तो जो पेड़ से आई हुई मेहंदी है उसको अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन बाजार से लाई हुई मेहंदी है उसको लगाएंगे तो बहुत खराब। बाजार से लाई हुई मेहंदी की समस्या क्या है? उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं, और पेड़ से आई हुई मेहंदी में कुछ मिलावट नहीं है, वो शुद्ध है। तो आपको मेहंदी लगानी है तो पेड़ से तोड़कर लाएंगे, उसकी चटनी बनाएंगे, वो बाद में लगाएंगे। हाँ,
ये तारीखा और एक अच्छा था। बाजार में जो महंगी आती है ना उसमें बहुत कुछ मिलाते हैं, आंवला है, ये सीताकारी है, रीठा है। अगर आपको खासी है, मानी गारंटी है कि वो आंवला ही उसमें मिलाया है तो ले लीजिए, मुझे गारंटी नहीं, क्योंकि बाजार वाले आंवला बोलकर उसमें बहुत कुछ ऐसा मिला देते हैं जो आंवला नहीं है। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि कच्चे पेड़ से मेहंदी के तोड़िए, आंवला आपके घर में है उसको आप खुद मिला लीजिए, आंवला है ना पाउडर बना के मिला लीजिए, तो आपकी जो मेहंदी तैयार होगी वो बहुत अच्छी है। मेहंदी जो है आयुर्वेद में औषध है, और ये औषध सिर के बाल की सबसे अच्छी औषध है। मेहंदी करती क्या है, मेहंदी में कुछ केमिकल है, जैसे कैल्शियम भरपूर है, आयरन उसमें भरपूर है, तो बाल में लगाओ तो यहाँ कैल्शियम की पूर्ति त्वचा के ऊपरी हिस्से में जाती होने से बाल बहुत मजबूत कर देती है मेहंदी, और थोड़ा उसमें ग्लैमिन बढ़ाने की भी कैपेसिटी है तो बाल काले भी हो जाते हैं। और मेहंदी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ठंडा रखती है, मेहंदी जो है ना बहुत ठंडी है, और ये धोखा है ना सिर ये बहुत गर्म है, हाथ रख के देखो बहुत गर्म है, ये हमेशा ठंडा रहना चाहिए, इसलिए मेहंदी लगाना बहुत अच्छा है। आप लगाइए, कभी लगाए सप्ताह में एक दिन, जाती है अठवाड़िया तुम एक दिन बस जाती जाती लगाएंगे तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और ये ज्यादा ठंडा होना तो और एक समस्या आएगी, इसलिए ये जाती ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो सप्ताह में एक दिन आप मेहंदी लगा सकते हैं, ठीक है, समाधान हुआ, आगे बढ़े, चलो अब आगे। जी जी कारण क्या है, अगर बाल सूखे हैं तो ज्यादा कटेंगे, सूखेंगे बहुत, इसलिए तेल की आवश्यकता बहुत है बाल को। अब आप ये पूछे कौन सा तेल लगाएं, बाल के लिए सबसे अच्छा तेल है नारियल का, खोपरे का तेल सबसे अच्छा। लेकिन खोपरे का कौन सा तेल, खोपरे का दो तेल आता है, एक बाजार में आता पैराशू, वो खोपरे का तेल नहीं, वो खोपरे के तेल का खुशबू है, खोपरे का तेल नहीं। वो क्या है, लिक्विड पैराफिन नाम का एक केमिकल है जिसमें खोपरे के तेल का एसेंस डाल के वो बेचते हैं, खोपरे का तेल नहीं। तो आप बोलेंगे खोपरे का तेल कहाँ मिलता, बाजार में मिलता, खुला हुआ मिलता, कोकोनट वाला भी वैसा ही है। आप पैकेट वाला मतलब बाजार में जाओ किराने की दुकान से, उससे कहो खोपरे का तेल लो, वो देगा, डब्बे में लेके आओ, बाटली में लेके आओ, अपना बाजार से शुद्ध खोपरे का तेल लेके आओ, और शुद्ध तेल थोड़ा महंगा है। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी।